मैम आपकी पत्नी से बात क्या, उन्होंने मुझे ये बताया कि पिछले साल से पूरे परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। जो अपराधी है, आरोपी है, घर के अंदर आके उन्होंने इस लड़की के पिताजी को पीटा है, बेरहमी से पीटा है। इतनी सी एक 10 साल की बच्ची है, इतनी सी बच्ची है, उनकी भाभी की बेटी, उनको धमकाया है, छोटी सी बच्ची को धमकाया है कि तुम्हारा स्कूल से हम नाम कटवा लेंगे, तुम यहाँ आने की हिम्मत मत करो, स्कूल जाने की हिम्मत मत करो। पिताजी को पीटा है, जून में उनकी खेती जलाई है, मतलब पूरी तरह से परिवार को प्रताड़ित किया है और उसके बाद ये सब कुछ हुआ। जिस पिता ने जो है मुकदमा कराया था, जिसने दो लोगों को आरोपी बनाया था, जिसमें एक की गिरफ्तारी हुई, एक की नहीं हुई, क्या लगता है जिला प्रशासन पर सरकार के दबाव में नहीं किया? देखिए, ये प्रधान जो है, मैंने सुना है कि ये भाजपा से जुड़े हुए प्रधान है, वो आप लोग पता कर सकते हैं। हो सकता है कि इनकी किसी तरह से रक्षा हो रही है। पहले हमने देखा है कि बड़े बड़े आरोपी रहे हैं, उनकी रक्षा की गई है। अब मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि देखिए, हर रोज ये मामले हो रहे हैं। जिस तरह का ये मामला है, क्या इसको राजनीतिक मामला न बनाते हुए, राजनीतिक मामला न बनाते हुए प्रशासन को, शासन को ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है, रोज रोज क्यों हो रहा है। क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में अपराधी का उसके दिल में कोई भय नहीं है। एक साल से जो यहाँ आके, इनके घर आके, इनके पिता अंदर घुस के इनके पिताजी को पीट सकते हैं, बच्चों को धमका सकते हैं, इनके खेत जला सकते हैं, महिलाओं को धमका सकते हैं, और फिर उसके बाद ऐसे हादसे होते हैं और इस तरह के अपराध करते हैं, ऑब्वियसली उनके दिल में कोई भय नहीं है। तो शासन और प्रशासन को एकदम इसको सीरियसली लेना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में ये हालत क्यों है, प्रियंका जी, कल और कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि ये सब बंद हो। प्रियंका जी, कल स्टिंग ऑपरेशन किया रिपब्लिक ने, कांग्रेस पार्टी किसी से पुलिस वाले क्लीन चिट दे रहे हैं मैम, पुलिस वाले क्लीन चिट दे रहे हैं मैम। देखिए, मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी है जो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अराजकता फैली हुई है, जिस तरह के अपराध रोज रोज महिलाओं पे हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश में जगह नहीं है। मुझे तो लगता है कि उन्होंने जो उत्तर प्रदेश बनाया है उसमें महिलाओं के लिए कहाँ जगह है। अगर महिला इधर से उधर तक अकेली नहीं चल सकती, भय में उसको रहना पड़ रहा है, वो काम के लिए 9 साल की महिला अगर स्कूल जाने से डर रही है क्योंकि उसको धमकाया जा रहा है, तो कैसा प्रदेश बनाया आपने? प्रियंका जी, जिम्मेदारी तो आप विधान भवन के साथ कार्यकर्ताओं को भी लाठीचार्ज किया गया। अगर जिम्मेदारी आपकी है तो